एक चप्पल की चोरी की घटना ने आपसी रंजिश पैदा कर दी और कुछ युवाओं ने एक युवक की झगड़े के दौरान जान ले ली। आपको बता दें कि करनाल के गांव फुलरत में चप्पल चोरी करने पर दो गुटों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दर्जन लोगों ने 31 वर्षीय युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि झगड़े का कारण आपसी रंजिश है। बताते चले कि करनाल के गांव फुलरत में शिव कुमार नाम के युवक की पड़ोसी ने चप्पल उठा ली थी, जिस पर दो दिन पहले झगड़ा हुआ था। शाम को फिर से झगड़ा हो गया और आरोपी पक्ष के 5 से 6 युवाओं ने युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। युवक के पेट में चाकू लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मृतक के पिता सतबीर ने बताया कि आपसी पड़ोसियों में चप्पल को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी की रंजिश में शाम को झगड़ा किया और उसके बेटे को चाकू मार दिया। उसको गंभीर हालत में करनाल इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक के पिता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि शाम को सूचना मिली थी कि एक युवक को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही जो आरोपी दोषी पाए जाएंगे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जी सर, क्या कहेंगे, क्यों झगड़ा हुआ था और क्या हुआ इसके बाद? झगड़ा तो नहीं है जी, बता दे मैंने, चप्पल का रोड़ा होया। अच्छा, उन उसके चाचा ताऊ तला ना दिया भाई, जगत ने समझा करा के उल्ट सुलट बोल रहा। अच्छा, वो छोरा वहीं खड़ा था। अच्छा, वो बोला भाया तो एंड न्यू ईयर आएगी, ये ले इस बात पाता पाई होगी, इन्हें चप्पू बैठा दी चप्पल के कारण। हाँ, चप्पल के कारण। तो क्या मारा उसको? चक्कू मार रखा जी। कौन है आपका बेटा लगता है? लड़का है जी। क्या नाम होगा? शिव कुमार। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या करोगे? न्याय चाहिए, बस उसके चाहिए। कब की बात है? कल 7:30 बजे की बात है, शाम की, जब झगड़ा हुआ। हाँ, तो मौके पे ही उसकी डेथ होगी? नहीं, ये बस्ता ऑर्डर टोल टैक्स नहीं है, यहाँ तक तो जिंदा आया। अच्छा, पहले तो घुरंडे लेके आया जिस पर टोल टैक्स पार कर दो, टोल टैक्स तो पहले खत्म हो गया। आपका क्या नाम है? सतबीर। मामला हुआ या क्या? मामला तो चौपाल में बैठे थे, चप्पल चुप्पल को ली थी उस बदल था। अच्छा, वो तो एक दिन पहले का था, ये तो भेज दिए थे इन्होंने, जाओ भाई अपना कोई चप्पल चुप्पल का हो गया था। उन्होंने प्लानिंग बना करके अगले दिन ये कांड कर दिया। तो क्या चाहेंगे? कई साथियों ने मिल करके पकड़ा, चक्कू मारा। बहुत कितने लोग थे जो मारने वाले? अप्रोक्सीमेटली हो गए जी 5-7 आदमी। तो अच्छा, तो गिरफ्तार करा कोई उनमें से? यार गिरफ्तार तीन गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए पुलिस ने। जो मुख्य चक्कू मारने वाला उसको पकड़ लिया है जी? पकड़े कौन कौन पकड़े? ये नहीं पता जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह। क्या मिली थी सूचना, बता दो क्या मिली थी आपको? हमारे को कल मेरे को फोन द्वारा सूचना मिली कि भाई एक शिव कुमार है, सतवीर सिंह का रोड करने वाला है, जो लड़ाई झगड़े में उसकी मौत हो गई है, कार्रवाई के लिए पहुंचे। अब मैं कार्रवाई के लिए आया हूं और जैसे भी आगे सूचना मिलती रहेगी और जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सूचना क्या, क्या झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा कोई चप्पल की वजह से हुआ था, इनका आपस में चप्पल उठाने के लिए। अच्छा, हाँ, दो दिन पहले झगड़ा हुआ था, उसमें इसने चल गए, इसमें कहा भाई तुम ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और इनको समझाओ, उनको समझाने के बजाय उनके साथ में झगड़ पड़ी। तो किस चीज से जो चक्कू लग गया इसके पेट में? कितने चक्कू मारे? एक चक्कू लग गया, उसमें उसकी मौत हो गई। तो आज क्या कार्रवाई की? आज कार्रवाई 174 की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम करके फिर अगली कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.